दगड़ियों, और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है बिन्नी राणा और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिन्नी ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ हरे भरे पहाड़ों से, और यहाँ पे इतने बड़े कांटे है कि मैं क्या बताऊँ, इस टाइप का रास्ता है। तो आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुपकोली की धार से। अभी तो हम सुपकोली की धार से थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं। देन आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? तमोली। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं तमोली, जो कि काफी ज्यादा दूर है, और अभी हमें ताई करनी है जो काफी ऊपर जो धार दिख रही है, आखिरी धार। तो हमें उसी वाली धार पे जाना है, और अभी तो हमारा सफर कंटिन्यू जारी है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। कृष्णा, मम्मी जी, भाभी जी और डुग्गू और मैं। तो आज हम जा रहे हैं जंगल में। हम जंगल क्यों जा रहे हैं, तो आप वीडियो में ना कंटिन्यू बने रहे, तो आप सभी को पता चल जाएगा। और आज ना कुरेड़ा भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि मौसम खराब है। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज का ब्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। हे बाबा के कर मैंने बुढ़ी होगी, ये घना जंगल ऊपर ले आई हूँ घूमे, ये ऊपर एच बटीन तक घूमे मैं लाठू भी दिन बाबा कथे नहीं मैं सी जो क्या कर मैंने। चला चला। तो दोस्तों ये देखो, ये थोड़ा फेवेक इस टाइप से लेके जा रहे हैं रस्सी बांध के कमरों में। और यहाँ पे ना रास्ता पूरा जंगल ना बंजर पड़ चुका है, क्योंकि जंगलों में ना झाड़ी झाड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब कोई आ ही नहीं रहा जंगल। लोगों ने भैंस वगैरह तो अब रखी भी नहीं है, बहुत कम रखते हैं लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोयाणी की धार में, और ये यहाँ पे ना टैंक भी है। और मुझे ना मैंने सोचा नीचे से मेरा फटाफट से आई, मगर टैंक है ऊपर तो टैंक में पानी पीऊंगी, लेकिन टैंक ना सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना रास्ते में दो जंक ने भी मेरे पैर में ना यहाँ देखो मेरे पैर से ना ब्लड निकलने लग गया है। जंगल में ना जो जंक होती है ना वो ना सीधा पैर में जा रही है और सीधा ना चिपक रही है, तो उससे ना मेरा ना खून चूस रही है यहाँ देखो। तो अभी अभी निकाली, तो इसकी सुरक्षा के ना हम नमक लेके आ रखे हैं। जब नमक लगाते हैं ना, तो उसके बाद ना जंक ना पैरों में नहीं लगती है, क्योंकि जैसे ही जाएगी तो ब्लड से ना वो पिघल जाती है, इसलिए। तो अभी ना पैरों में नमक का यूज ना अपने पैरों में करेंगे। दो नमक नमक दिया पूछी, ये देखो मेरा ब्लड है, कहाँ लेके जा रहा है मेरा ब्लड। ये दे दिया मुझे कृष्णा ने नमक, दे कृष्णा। अब ये ब्लड ना मैं ये ब्लड की ये नमक ना अपने पैरों में लगाऊंगी। ब्लड नहीं, तो दोस्तों इस टाइप से मैंने ये नमक लगा दिया है पैरों में। अब ना वो भी टाटा नमक, तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, मिलते हैं तो आपको। अभी ना काफी ऊपर जो धार दिख रही है वहाँ कुरेड़ा भी लगा हुआ है, ये नमक का और फल लगे, तो वही जाना है हमें। यहाँ ऊपर काफी ऊपर जो आखिरी धार दिख रही है, तो हमें ना वही आखिरी धार जाना है। और यहाँ पे ये सब बैठे हुए नमक, जूता पहने यहाँ तक नहीं रहे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार खादरी, और यहाँ पे ना हमें पानी का गधेरा मिला। तो यहाँ गधेरे में अभी कृष्णा पी रहे हैं पानी, और ये मम्मी जी भी पहुंच चुकी हैं पानी पीने के लिए। तो पहले मैं फटाफट से ना पानी पी रही थी, और मैं तो डंडे के सहारे से चल रही हूँ, सभी चल रहे हैं यहाँ पे डंडे के सहारे से। ये भाभी जी भी डंडा लेके आ रखी और छुपा रही है कि मेरा डंडा दिखा रही करके, तो इसमें शर्म किस बात की। और मैं तो खुद ही चल रही, तो दूसरों को क्या बोलूँ। ए भाई बथर पेदन ओ हम जाने मेरा
लिए मैं पानी पी रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं पानी पी रही हूँ। ये पानी पता नहीं मीठा क्यों हो रहा है। पानी में का ठंड क्यों? ये ठंड पानी है। ये इसमें मुझे अंकल आएगी। ये फिर इसमें कीड़ा लग गया है। ये फिर नहीं। ये कीड़ा खून चूसता है। मैं भी लगी। पानी से धो लो, गरम गरम पानी से। ये फंड भी नहीं छूटा। तो दगड़ा अभी हम पहुंच चुके हैं तमोली और यहाँ पे ना पानी का गधेरा आ रहा है ऊपर से। काफी ऊपर ना बहुत बड़ा पत्थर है और उधर से ना पानी होके आ रहा है। पत्थर के साइड से ये झरने आ रहे हैं और इधर पीछे से ही ना देखो यहाँ चप्पल डुगू ना अपने जूते पे पानी भर रहा है। वहाँ पीछे देखो यहाँ पे उबड़ खाबड़ नहीं है, पूरा रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। और ये देखो वो आ रही है पेड़ पकड़ पकड़ के। ये देखो भयंकर की तुम्हारे चक्कर में मैं ही खा जो अंकान पूरू तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं तमोली और यहाँ पे कुछ इस टाइप है। नीचे से आने में ना काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ था तो मैं वहां से ना खुद ही चलना मुश्किल हो गया था तो मैं वीडियो कैसे बनाती। तो अभी हम तमोली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। पीछे का व्यू ना काफी ज्यादा अच्छा है, घोर जंगल है, पहाड़ों में आने का कुछ आनंद ही अलग है। जो हमारे पहाड़ों में सुकून है ना वो शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ जंगल में आकर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है और एक अच्छी फीलिंग आ रही है। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है चारों तरफ से और जंगल में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चिड़िया की आवाज भी आ रही चे चे करने की। और ये सामने ना तो हम आ रखे हैं आज जंगल में लिंगड़ों के लिए। तो अभी मम्मी जी और भाभी जी तो निकालने लग गई और कृष्णा भी, तो अब फटाफट से मैं भी निकाल लेती हूँ। फिर सुबह ना घर से हम 9 बजे लग गए थे बाट और 1:30 बजे पहुंचे हम तमोली, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ से थोड़ा टाइम लग गया इसलिए। तो अब फटाफट से लिंगड़े निकालते हैं पहले। तो दगड़ियों अभी हमने लंगड़े भी निकाल लिए हैं। ये भाभी जी लेके आ रही थैला भर के और मम्मी जी अभी आ रही है पीछे से और डुगू और कृष्णा तो यहाँ नीचे बैठे हुए पत्थर के ऊपर। और यहाँ पे ना कुछ इस रास्ते में ना पूरा सत्तर वगैरह गिर रखा है पेड़ के पत्ते। तो अब हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की, क्योंकि हमने लंगड़े निकाल लिए और हमसे पहले कोई आए होंगे तो एक दो दिन पहले ना उन्होंने सारे लंगड़े ना निकाल रखे हैं। तो इसलिए अब